अगर पुलिस चाहे तो अपराधी को पाताल से भी ढूंढ सकती है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है सजनी मर्डर केस। 26 साल की सजनी नाम की एक महिला की हत्या 14 फरवरी 2003 को अहमदाबाद में हो जाती है। कथित तौर पर यह हत्या घर में लूटपाट के दौरान की गई थी। अभी पुलिस इस लूटपाट और हत्याकांड को सुलझा पाती कि अगले ही दिन इस महिला का पति भी लापता हो जाता है। पुलिस इस केस को और लापता पति को ढूंढने के लिए दिन रात एक कर देती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए नरेंद्र मोदी पर्सनली इस केस में इंटरेस्ट लेते हैं और इस केस की जांच के आदेश देते हैं। फिर पुलिस इस केस को सुलझाने के लिए 6 साल के अंदर लगभग 1 लाख कॉल डिटेल्स की जांच करती है, हजारों लोगों से पूछताछ की जाती है और पुलिस की कई टीमें सालों तक एक अनजान शख्स की तलाश में लगा दी जाती हैं। फिर जो 15 साल की मेहनत के बाद खुलासा होता है उसके बारे में जानकर हर कोई शॉक्ड रह जाता है। इस केस में पुलिस का काम इतना लाजवाब था कि अपराधी पुलिस से पूछने पर मजबूर हो गया था कि आप बस मुझे इतना बता दो कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। पूरी सच्चाई जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आखिर क्या है सजनी मर्डर केस की पूरी कहानी, चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से वीडियो में। लेकिन उससे पहले जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 14 फरवरी 2003 से। सुबह सुबह अहमदाबाद में रहने वाले ओके कृष्ण नाम के एक व्यक्ति के फोन की घंटी बजती है। ओके कृष्ण फोन उठाते हैं, दूसरी तरफ से उनके दामाद तरुण कुमार जीना राज की आवाज आती है, जो रोते हुए कह रहा था कि घर में बड़ी लूट की वारदात हुई है और लुटेरों ने इस लूटपाट के दौरान उनकी बेटी सजनी की भी हत्या कर दी है। बेटी की मौत की खबर सुनते ही ओके कृष्ण अपने कुछ रिश्तेदारों तथा पत्नी के साथ भागते हुए अपनी बेटी दामाद के घर जाते हैं। जब ये लोग वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि घर का पूरा सामान पूरी तरीके से बिखरा हुआ है। सामने फ्लोर पर उनकी बेटी की लाश पड़ी हुई है, जिसके गले में दुपट्टा बंधा हुआ है। उसके बगल में ही उनका दामाद तरुण बैठे दहाड़ मार कर रो रहा है। स्थिति को देखते हुए तुरंत सजनी के पास के अस्पताल में लोग ले जाते हैं, मगर अस्पताल में उसे मृत घोषित कर दिया जाता है। अब तक इस मामले की जानकारी अहमदाबाद पुलिस को भी हो जाती है। पुलिस वाले भी भागते हुए क्राइम सीन पर आते हैं और मामले की जांच शुरू कर देते हैं। पहली नजर में ही लूटपाट के दौरान की गई हत्या का मामला लग रहा था। इसके बावजूद पुलिस वाले एक चीज की बारीकी से जांच करते हैं और घटना को समझने के लिए मृत महिला सजनी के पास तरुण से पूछताछ करते हैं। इस पूछताछ के दौरान भी तरुण दहाड़े मार कर रो चिल्ला रहा था। इस कारण पुलिस ज्यादा दबाव देकर उससे कुछ पूछताछ नहीं करती है। सबको पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी जाती है। तरुण जरूर दहाड़े मार कर रो रहा था, मगर क्राइम सीन पर पुलिस के साथ मौजूद खोजी कुत्ता लगातार तरुण पर ही भौंक रहा था। खोजी कुत्ते की हरकत से लोगों के जहन में सवाल आने लगता है कि लूटपाट और हत्या में कहीं तरुण का ही तो हाथ नहीं है। हालांकि तरुण की स्थिति को देखते हुए लोग तुरंत ही इस संभावना से इनकार कर देते हैं। कमाल की बात तो यह होती है कि जब तरुण को अंतिम बार हॉस्पिटल में सजनी के देखने के लिए लाया जाता है, तब भी खोजी कुत्ता उसी पर भौंकना शुरू कर देता है। यहां भी कुत्ते की हरकतों को नजरअंदाज कर दिया जाता है और मामले की जांच बढ़ती जा रहती है। पत्नी की मृत्यु की वजह से तरुण की हालत ज्यादा खराब थी, इसलिए पुलिस उससे बहुत ज्यादा पूछताछ नहीं करती है। उसे भी अस्पताल में भर्ती करवाया जाता है, मगर एक क्या घटना कि अगले ही दिन यानी 15 फरवरी 2003 को अचानक से तरुण लापता हो जाता है। पुलिस हर संभव तरुण का पता लगाने की कोशिश करती है, मगर तरुण का कहीं भी अता पता नहीं चलता। अब लोगों को खोजी कुत्ते के भौंकने का मतलब समझ में आने लगता है। लोग समझ जाते हैं कि सजनी की हत्या में जरूर तरुण का कोई हाथ था। पुलिस की कई टीम तरुण को खोजने में लगा दी जाती है, मगर तरुण का कोई अता पता नहीं चलता। इसके बाद सजनी के माता पिता अपने दामाद तरुण पर ही अपनी बेटी सजनी की हत्या का मामला दर्ज करवा देते हैं। एफआईआर दर्ज होने के बाद बावजूद पुलिस को खोजने में नाकाम रहती है। 2004 में सजनी के ससुराल पक्ष के कुछ लोगों का लाई डिटेक्टर टेस्ट भी किया जाता है। अगर पुलिस को बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती है, सजनी की हत्या 2003 में हुई थी और अब आ चुका था साल 2006, जब पुलिस वाले सजनी के कातिलों को ढूंढने में नाकाम रहते हैं, तो आप सजनी के पिता इंसाफ मांगने गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास जाते हैं। पहले कई कोशिशों में तो यह नरेंद्र मोदी से मिलने में नाकाम रहते हैं,
मगर किस्मत से इन्हें नरेंद्र मोदी से मिलने का मौका मिल जाता है। पूरी कहानी सुनने के बाद नरेंद्र मोदी गुजरात के अलावा पुलिस अधिकारियों को बुलाते हैं और सजनी मर्डर केस की फाइल खोलकर फिर से जांच करने का आदेश देते हैं। इसी के बाद 2006 में एक बार फिर से इस केस की फाइल दोबारा खोली जाती है और फिर से जांच शुरू होती है। जांच की जिम्मेदारी तत्कालीन ज्वाइंट कमिश्नर AK शर्मा को दी जाती है। शुरुआती कुछ साल तक पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिलती है, बस साल बदलते रहते, यहाँ तक कि जांच अधिकारी भी बदलते जाते हैं, मगर ना तो सजनी के कातिलों का और ना ही सजनी के पति तरुण का कहीं अता पता चलता है। 6 साल और बीत जाते हैं, अब साल आता है 2012। अब इस मामले की जांच DCP दीपन भद्रा के नेतृत्व में शुरू होती है। DCP दीपन बिल्कुल नए सिरे से इस केस की जांच शुरू करते हैं। सबसे पहले इस केस में शामिल एक शख्स के इतिहास भूगोल को खंगाला जाता है। यह टीम अपना पहला टारगेट सजनी के पति तरुण को ढूंढने का रखती है। इसके पीछे की सोच यह थी कि अगर तरुण मिल गया तो बहुत से सवालों के जवाब यूं ही मिल जाएंगे। इसलिए अगले कुछ महीनों में पुलिस द्वारा कई हजार लोगों की प्रोफाइल की जांच की जाती है। इतना ही नहीं, इन लोगों से जुड़े एक एक मोबाइल नंबर और मोबाइल नंबर पर आने जाने वाले कॉल की भी निगरानी की जाने लगती है और सभी नंबर की कॉल डिटेल्स भी निकाली जाती है। ऐसे अगले कई महीने तक चलता रहता है और इस दौरान पुलिस की कई टीमें लगभग 1 लाख से ज्यादा मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल्स निकालती हैं और किसी भी नंबर का कनेक्शन तरुण नाम के किसी भी व्यक्ति से नहीं निकलता है। शुरुआती नाकामी के बावजूद पुलिस वाले हिम्मत नहीं हारते हैं और वो तरुण से जुड़े करीबी लोगों के नंबर पर अपनी पैनी नजर बनाए रखते हैं। खासतौर से तरुण की माँ और उनके भाई के नंबर पर विशेष निगरानी की जाने लगती है। इसमें भी कई महीने भी बीत जाते हैं, मगर अम्मा के मोबाइल पर भी एक भी ऐसा कॉल नहीं आता जो पुलिस वालों को तरुण तक पहुंचा सके। पुलिस वाले दूसरा तरीका अपनाने का फैसला करते हैं और अपना भेद बदलकर एक सामान्य व्यक्ति की तरह मंदसौर में रह रही तरुण की माँ तक जाते हैं और फिर यहाँ नाटक करके किसी तरह यहीं गेस्ट के तौर पर रहने लगते हैं। यहाँ पुलिस का टारगेट था कि शायद अम्मा के साथ गेस्ट के तौर पर रहते हुए उन्हें तरुण का कुछ अता पता मिल सकता है। पुलिस को यहाँ तो बहुत ज्यादा कामयाबी नहीं मिलती, मगर अम्मा के कुछ पड़ोसी जरूर पुलिस को कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देते हैं। दरअसल यहाँ गेस्ट के तौर पर रहते हुए जब पुलिस वाले पड़ोसियों के साथ भी अपना व्यवहार मधुर कर लेते हैं तो कुछ पड़ोसी पूछे जाने पर बताते हैं कि इस बूढ़ी अम्मा के 2 बेटे हैं, जिसमें से एक तो अहमदाबाद में रहता है जबकि दूसरा बेटा कहीं साउथ इंडिया में रहता है। पुलिस के लिए छोटी मगर काफी महत्वपूर्ण जानकारी थी। इसके बाद पुलिस वाले अपनी पूरी निगरानी अम्मा पर ही बनाए रखते हैं। जांच में सामने आता है कि अम्मा बीच बीच में केरला भी जाती हैं। जब पुलिस वाले अपनी लगातार निगरानी अम्मा पर बनाए रखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि केरल जाने के बाद तरुण की माँ बेंगलोर भी आई है। पुलिस इस सवाल का जवाब ढूंढने में लग जाती है कि आखिर अम्मा के बेंगलोर जाने के पीछे की क्या वजह क्या है। इस बात का जवाब तलाशने के लिए पुलिस वाले अब अम्मा के मोबाइल नंबर को सर्विस लाइन्स पर डाल देते हैं और इस पर आने जाने वाले एक एक नंबर की डिटेल खंगालना शुरू कर देते हैं। कई महीनों तक नजर बनाने के बावजूद पुलिस को अम्मा के मोबाइल पर एक भी स्पेशल नंबर नहीं मिलता है। इसके बावजूद पुलिस वाले तरुण की माँ के मोबाइल पर नजर बनाए रखते हैं। पुलिस वालों की यह मेहनत फाइनली एक दिन कामयाब होती नजर आती है। दरअसल एक दिन अम्मा के मोबाइल पर एक अनजान नंबर से फोन आता है। जब इस नंबर की डिटेल पुलिस द्वारा निकाली जाती है तो पता चलता है कि नंबर किसी नशा परवीन नाम की महिला के नाम पर दर्ज है जो बेंगलोर में रह रही है। अभी पुलिस इस नशा परवीन की डिटेल्स निकाल पाती है कि कुछ ही महीनों बाद एक नंबर से अम्मा के मोबाइल पर फोन आता है। यह पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू था। अब इस नंबर की डिटेल निकाली जाती है तो पता चलता है कि यह नंबर तो बेंगलोर में ओरे कला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नाम की मल्टीनेशनल कंपनी के नाम पर दर्ज है। पुलिस की एक टीम ओरे कला इंडिया कंपनी की ऑफिस तक पहुंचते हैं। इस कंपनी में लगभग 35,000 कर्मचारियों का डेटा था। पुलिस एक एक करके सभी कर्मचारियों का डेटा चेक करती है मगर उसमें से एक भी कर्मचारी नहीं था। पुलिस वाले दूसरा तरीका बनाते हैं और तरुण की बरसों पुरानी फोटो लेकर कई लोगों को चुपके से इसी ओरेकल इंडिया के ऑफिस के इर्द गिर्द खड़े कर दिए जाता है तथा ऑफिस में आने जाने वाले एक व्यक्ति पर नजर रखने को कहा जाता है। इन दिनों की मेहनत के बाद फाइनली एक व्यक्ति दावा करता है कि इस फोटो में दिख रहे शख्स की तरह ही एक व्यक्ति को उसने इस बिल्डिंग में देखा है। पुलिस वाले जब उस तरुण जैसे दिखने वाले व्यक्ति का डिटेल कंपनी से पता करती है तो कंपनी की ओर से कहा जाता है कि पुलिस जिसे तरुण बता रही है असल में वह ओरेकल इंडिया के एग्जीक्यूटिव प्रवीण पटेल हैं। पुलिस को समझ आ जाता है कि यहाँ तरुण अपनी पहचान बदल कर रह रहा है। पुलिस के लिए जानकारी बहुत बड़ी थी। अब अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम जल्द से जल्द छापा मारकर तरुण को पकड़ना चाहती थी।
मगर पुलिस वाले अपना एहतियात बदल देते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर तरुण को इस बात की भनक लग गई तो वह लापता हो सकता है। इसलिए तरुण को पकड़ने के लिए सिर्फ क्राइम ब्रांच के एक अधिकारी इंस्पेक्टर अनिल चौधरी को सिविल ड्रेस में ऑफिस के अंदर भेजा जाता है। इस दिन तरुण नाइट ड्यूटी कर रहा था। इंस्पेक्टर अनिल चौधरी सिविल ड्रेस में सीधे तरुण के केबिन में जाते हैं और बिना कुछ कहे हेलो मिस्टर तरुण कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ाते हैं। 15 सालों में पहली बार किसी ने उस शख्स को तरुण कहकर पुकारा था। तरुण नाम सुनते ही सामने मौजूद व्यक्ति के होश उड़ जाते हैं और वह पसीने से पसीना पसीना हो जाता है। हेलो मिस्टर तरुण सुनते ही सामने वाले शख्स ने अपना हाथ इंस्पेक्टर की तरफ बढ़ा दिया था। इसे यह कन्फर्म हो गया था कि सामने मौजूद व्यक्ति असल में तरुण है जो प्रवीण पटेल के तौर पर कंपनी से जुड़ा हुआ है। तरुण की पहचान होते ही इंस्पेक्टर अनिल तुरंत नीचे मौजूद अपनी टीम को खबर करते हैं और तुरंत वह तरुण से कहते हैं कि अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है, चुपचाप मेरे साथ चलो। तरुण समझ चुका था कि 15 साल तक जिस पहचान को उसने छुपा रखा है पुलिस ने उसका पता ही कर लिया है, इसलिए वह भी बिना किसी विरोध के पुलिस के साथ चलने लगता है। चलते हुए तरुण बस पुलिस से एक सवाल का जवाब पूछता है कि आप मुझे बस इतना बताओ कि आपने मुझे ढूंढा कैसे। 25 अक्टूबर 2018 को तरुण को गिरफ्तार करके अदालत के सामने पेश किया जाता है, जहां से आगे की पूछताछ के लिए उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। पुलिस पूछताछ में कई चौंका देने वाले खुलासे होते हैं। पुलिस सबसे पहले 15 साल पहले मरने वाली सजनी के बारे में तरुण से पूछताछ करती है। इस बारे में खुलासा करते हुए तरुण बताता है कि दरअसल घर में कोई चोरी नहीं हुई थी, बल्कि सजनी के साथ शादी करके वह खुश नहीं था। वास्तव में तरुण का लव अफेयर किसी और के साथ चल रहा था, मगर परिवार वालों की बातों में आकर वह बैंक में काम करने वाली सजनी के नाम की महिला से मिलता है और 2002 में सजनी से ही शादी कर लेता है। बहुत जल्द शादी से ऊब जाता है। वैलेंटाइन डे के डे मौके पर अपनी गर्लफ्रेंड से वादा करता है कि वो एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाला है। इसी के बाद भोपाल में स्थित अपने हीरा पन्ना अपार्टमेंट में आता है तथा अपनी पत्नी की दुपट्टे से गला दबाकर हत्या कर देता है। इसके बाद वह घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है और फिर घर में लूट का नाटक करता है। पहले तो पुलिस का खोजी कुत्ता तरुण पर शक जताता है। उसके बाद पूछताछ और शुरुआती जाँच में शक की सुई तरुण की तरफ घूमने लगती है। इस कारण मौके का फायदा उठाकर अगले दिन तरुण वहाँ से भाग जाता है। यहाँ से भागने के बाद वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास जाता है और उससे कहता है कि मैंने अपनी पत्नी की हत्या कर दी है और अब मैं तुमसे शादी करूंगा। इतना सुनते ही गर्लफ्रेंड धक्का देकर तरुण को वहां से यह कहते हुए निकाल देती है कि मैं किसी हत्यारे से शादी नहीं कर सकती। तरुण के खुलासे के मुताबिक इसके बाद वह भोपाल में रह रहे अपने एक दोस्त परवीन भारती के पास आता है। परवीन भारती लिए कॉलेज के दिनों में तरुण का जूनियर हुआ करता था। यहाँ आकर तरुण प्रवीण को बताता है कि उसे बिजनेस में बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया है। अब उसके पास ना घर है, ना पैसा है और ना ही कोई जॉब है, इसलिए उसे कोई काम दिलाए। तरुण की हालत देखते हुए प्रवीण उसे अपने ही एक कोचिंग संस्थान में बतौर इंग्लिश टीचर रख लेता है। यही काम करते हुए तरुण के दिमाग में शैतानी आइडिया आता है और वह धीरे धीरे प्रवीण से काफ़ी नज़दीकी बनाता है और फिर उसका पर्सनल कंप्यूटर भी यूज करना शुरू कर देता है। इस दौरान वह चुपके से प्रवीण के सभी डॉक्यूमेंट्स और कॉलेज का सर्टिफिकेट स्कैन कर लेता है और तरुण डॉक्यूमेंट में प्रवीण की जगह अपनी फोटो लगाकर खुद ही प्रवीण पटेल के तौर पर जीने लगता है। इन्हीं फर्जी कागजों का इस्तेमाल करते हुए तरुण प्रवीण पटेल के नाम पर तो पासपोर्ट समेत दूसरे सरकारी डॉक्यूमेंट्स भी बनवा लेता है। कुछ समय तक वह इधर उधर समय बिताता है और फिर 2012 में बेंगलोर चला जाता है, जहां वह प्रवीण के डॉक्यूमेंट्स के दम पर ओरेकेला इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एक अच्छी नौकरी हासिल कर लेता है। इस नौकरी के बदले कंपनी से उसे 22 लाख रुपए का सालाना पैकेज भी मिलता है। कंपनी की ओर से 3 बार अमेरिका के दौर पर भी जाता है। कमाल की बात तो यह थी कि वह यह दौर और जॉब सब कुछ फर्जी दस्तावेज के दम पर कर रहा था, मगर कभी भी पकड़ा नहीं गया। 2012 में ही प्रवीण की मुलाकात निशा नाम की एक लड़की से होती है। कुछ ही दिनों की मुलाकात के बाद प्रवीण निशा को बताता कि एक एक्सीडेंट में उनके माता पिता की मौत हो गई थी। तरुण की बनी बनाई कहानी सुनकर निशा तरुण के प्यार में पड़ जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं और बेंगलोर में ही एक लग्जरी अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। शादी के बाद जब तरुण के माता पिता बेंगलोर आते हैं तो तरुण निशा से कहता है कि उनके चाचा और चाची हैं। समय के साथ तरुण और निशा दो बच्चों के माता पिता भी बनते हैं। इन सभी खुलासे की बात को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया जाता है। फिलहाल वह जेल में ही है। इस मामले में तरुण उनकी पत्नी निशा से भी पूछताछ की जाती है तो निशा बताती है कि वह तो शख्स को केवल प्रवीण पटेल के तौर पर जानती है। अपनी गिरफ्तारी के बाद से ही लगातार
फिलहाल केस की बात करें तो कभी लाखों की नौकरी करने वाला तरुण जेल की हवा खा रहा है। अगर हमारी मेहनत पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को जरूर सब्सक्राइब